है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाटधारी। जीरो बाप का क्या मतलब है? जीरो अंग्रेजी का शब्द है जिसको मराठी भाषा में शिव कहा जाता है, हिंदी में शून्य कहा जाता है और उर्दू में सिफर कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा जो ज्योति बिंदु है, और बिंदु भी ऐसा इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि विज्ञान का कोई भी यंत्र उसे माप नहीं सकता। उसे देख नहीं सकता। हम उसे किसी भी यंत्र के द्वारा देखना चाहें तो नहीं देख सकते। इसलिए उसे जीरो कहा, शून्य कहा, शिव कहा। अब वो बाप हमारा जो शून्य है, शिव है, और यहां देखिए बहुत अच्छी तरह से कि हम आत्मा भी शून्य है, हम आत्माओं का पिता परमात्मा भी शून्य है। क्यों उसे शून्य कहा? परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि तुम आत्माओं को और तुम आत्माओं के पिता मुझ परमात्मा को शून्य स्पेस चाहिए, जीरो स्पेस। अर्थात हमें आकाश में कोई खाली जगह भी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे बाबा ने मुरली में लिखा, हद बेहद से पार, सारे स्पेस से भी पार, जहां कुछ नहीं। स्पेस भी नहीं है आत्मा को या परमात्मा को, स्पेस भी नहीं चाहिए। तो ऐसे जीरो बाप के साथ रहने वाले अर्थात उनका साथी बनने वाले हीरो पाटधारी बनते हैं। हीरो पाटधारी बनती, तो जीरो का मतलब समझ में आया होगा, शून्य, शिव, सिर्फ जीरो। और अच्छी तरह समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।